हेलो बच्चों, नमस्कार। निहाबन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसमें आपके कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। और ये सारी चीजें चैप्टर वाइज होंगी। और इस वीडियो में अभी आज का जो पहला टॉपिक है, पहला जो आपका चैप्टर है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो क्वेश्चन हमने कैसे बनाए हैं, आपको देखने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। और इसमें लाजमी है यार, इतने क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको एक लाइन में आंसर देने होते हैं। 10 क्वेश्चन हमने उसके बताए हैं, 10 वो पढ़ लीजिए, इसमें से आपका दो तीन तो आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 आपको बताए गए हैं, पढ़ लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पक्का बता दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर ये चारों याद कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो एक जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप पूरे चैप्टर को कंपेयर करोगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस का, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वसा का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, और अगर ना कर पाना तो आप कमेंट जरूर लिखिएगा, तो उसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पे थोड़ा समय देना पड़ेगा, और ज्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको सॉल्व करा रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है, वीडियो हम लोग बना देंगे उसके लिए भी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, वर्षा का पाचन सबसे ज्यादा कहां पे होता है। तो फैट का पाचन आपको बताओ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपकी पूरी आहार नाल होती है, तो आहार नाल में जब हम लोग छोटी छोटी याद में पहुंचते हैं, मतलब जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसके बाद में ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, वहां पे सबसे ज्यादा वसा का पाचन होता है। ये क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, वसा का सबसे ज्यादा पाचन ग्रहणी में होता है, ड्यूडेनम में होता है। दूसरा, क्रमांक कुंचन गति क्या होती है और क्यों होती है। तो क्रमांक कुंचन गति क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्त बच्चे देखो, क्रमांक कुंचन गति का मतलब होता है, अगर आप क्वेश्चन ये है क्रमांक कुंचन, दोनों को अलग करो, क्रम से आकुंचन, आकुंचन मतलब होता है शिकुड़ना, कोई भी चीज है वो क्रम से शिकुड़ रही है तो उसको बोलते हैं क्रमांक कुंचन। तो कैसे आंसर लिखोगे, क्रमांक कुंचन आहार नाल में होने वाली एक ऐसी गति है जिसमें लगातार जो आहार नाल होती है वो क्रम से संकुचित होती है। जैसे आप देखो ऐसे क्या, ऐसे पहले यहां पे संकुचित होगी, जो पदार्थ रहेगा आगे बढ़ जाएगा, फिर वो फूल जाएगा, नीचे संकुचित हो जाएगी, संकुचित मतलब सिकुड़ जाती है, फिर वो सामान आगे चला जाएगा, फिर इस तरह से, इसको बोलते हैं क्रमांकुंचन गति। क्यों होती है, जो हम खाना खाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए क्रमांकुंचन की गति होती है। अगला, वायुकुपिकाओं का काम क्या होता है। तो वायुकुपिकाएं फेफड़े में पाई जाती हैं, इसका काम होता है कि ये गैसीय विनिमय करवाता है, ठीक है। अगला, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कंफर्म है, पूछा जाएगा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, और अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, वजह ये होती है, वो लोग क्या आंसर देते हैं कि पित्त रस का निर्माण पित्त की थैली में होता है, गाल ब्लैडर में होता है, तो ये गलत है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है, याद रखना। O2 मतलब ऑक्सीजन वाला रुधिर जो होता है वो हृदय में कौन सी शिरा लेकर के आती है, ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, कहते हैं कि O2 वाला रुधिर जिसको हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, ऑक्सीजनित ब्लड बोलते हैं, वो शिरा लाती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसी कौन सी शिरा होती है, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा, ऐसी शिरा होती है जो रुधिर को कहां पे ले आती है, हृदय में, और वो कौन सा रुधिर होता है, ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है। देखो जब सारी चीजें डिटेल में पढ़ाते हैं तो आपको सब कुछ डिटेल में बताते कि हाँ कैसे कैसे होता है, कभी आपको बताया जाएगा, अभी आप इसको देखते रहिए। रुधिर दाब क्या होता है, चलो बताओ रुधिर दाब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर रुधिर दाब को, तो रुधिर दाब क्या होता है, आप सोचो क्या लिखोगे कि वो दाब जिस दाब मतलब इतना आप लिखिएगा कि
रुधिर दाब एक ऐसा दाब होता है जिस दाब से जो रुधिर है वो धमनियों में बहता है। ठीक है, नसों में रुधिर जिस दाब के द्वारा बहता है उसे बोलते हैं रुधिर दाब। होता कितना है, 120 बटे 80 होता है mm of Hg। ठीक है, 120 mm बटे 80 mm of Hg होता है। अब पूरा डिटेल बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो क्योंकि जितना क्वेश्चन था उतना आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एनएडीपी तथा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले एटीपी का फुल फॉर्म देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को बोलते हैं, और एनएडीपी को क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। बात समझ में आई। नेक्स्ट परासरण क्या होता है समझाइए। तो परासरण की पूरी एक लेक्चर में अगर आपको दूं तो कम से कम 20 से 25 मिनट का होगा, या आधे घंटे में परासरण आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बिल्कुल आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परासरण क्या होता है देखिए, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कोई भी पदार्थ तनुता से सांद्रता की तरफ गति करता है, तनुता से सांद्रता की तरफ गति करता है। इसको चित्र से समझाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप एक फिगर बनाओगे जिसमें किशमिश के दाने को डाल दोगे और उसमें पानी भर दोगे, एक फिगर ये हो गया, दूसरे में किशमिश का जो दाना होगा उसको फुला दोगे। ठीक है, तो पूरा परासरण में क्या कहेंगे, पूरा परासरण की परिभाषा कि परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ तनुता से सांद्रता की तरफ तब तक गति करता है जब तक दोनों माध्यम की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। बात समझ में आई। अब इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे परासरण समझना है और ऑस्मोसिस, उसको आप डिटेल में बताइए, अच्छे से बताइए, तब मैं आपको वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहां पे होती है, ये ध्यान से देखिएगा। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी, इन्हीं दोनों के द्वारा हम रक्त समूह देखते हैं, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के तहत हमें पता लगती है। तो रुधिर में एंटीजन एंटीबॉडी कहां पे होती है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो बड़ा आसान सा आंसर है, रुधिर में जो एंटीजन होता है वो आरबीसी पे होती है, लाल रुधिर कणिका पे होती है, और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में। नेक्स्ट, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, चलो बताओ। बहुत आसानी से बच्चे बड़े आसानी से आंसर देते हैं कि सर पौधों में जो है उसका पानी का अवशोषण, जल का अवशोषण जो है जड़ से होता है। ठीक है, जड़ से होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप क्या बताओगे, आपको बताना है कि पौधों में जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है या जड़ के मूल रोम द्वारा होता है। तो आप मूल रोम आपको सही बताना है, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा कि पौधों में जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये जो है आंसर इसके बहुत छोटे छोटे थे जैसे मैंने आपको बता दिए। अब जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है एसिमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, इसका वर्णन आपको करना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरा, श्वसन व श्वाच्छोश्वास में अंतर आपको बताना है, श्वसन और श्वाच्छोश्वास क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। श्वसन को बोलते हैं रिस्पायरेशन, श्वाच्छोश्वास को बोलते हैं ब्रीथिंग। श्वसन पौधों में भी होता है जबकि श्वाच्छोश्वास पौधों में नहीं होता है। श्वाच्छोश्वास का मतलब मैं बताऊं आपको, नॉर्मली सांस लेते हो, सांस अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो, उसी को हम बोलते हैं श्वाच्छोश्वास, ब्रीथिंग। ठीक है, अभी बात समझ में आई कि श्वाच्छोश्वास क्या होता है, तो दोनों में अंतर बताना है, बड़ा आसान सा है, उसको पढ़ेंगे किताब में तो आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वाच्छोश्वास की क्रियाविधि का वर्णन करना है। अब बताओ श्वाच्छोश्वास की क्रियाविधि, मतलब समझ रहे हो कैसे सांस अंदर आती है कैसे सांस बाहर जाती है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, जो भी आप बोलो उसको। ठीक है, तो श्वाच्छोश्वास की क्रियाविधि का वर्णन, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। रंध्र जानते हैं, स्टोमेटा मतलब पत्ती होती है, पत्ती के नीचे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो स्टोमेटा के जैसे मान लीजिए स्टोमेटा है, तो इसके दोनों तरफ ऐसे बीन शेप की, किडनी के शेप की दो कोशिकाएं होती हैं जिसे रक्षक कोशिका बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाए और रक्षक कोशिका का कार्य बताएं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब की बार जो क्वेश्चन बता रहा हूं नोट कर लीजिए, इस बार पूछा जाएगा और आप बिल्कुल पूछा जाएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, पूछा ही जाएगा, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन।
जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इससे भिड़ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। देखो 25 नंबर का बायोलॉजी से आता है और इस बार तो कुछ सिलेबस भी निकाल दिया गया है, तो जितना बता रहा हूँ आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। ये बहुत ज्यादा नहीं है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइव प्रोसेस, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 20 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताए हैं 4, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आएंगे, ठीक है, आप तैयार रखना। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, पाचन क्या होता है, सभी पाचक ग्रंथियों के नाम बताइए, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए पित्त रस का महत्व बताइए। अब पित्त रस के महत्व से मुझे एक क्वेश्चन और याद आया है, कभी कभी पूछते हैं एमएलसी करण क्या होता है, जब मैं 10th में था तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, एमएलसी करण क्या होता है, ठीक है, पाइसीकरण बोलते हैं। तो आपको बताऊं कि पित्त रस द्वारा वसा के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने की प्रक्रिया को एमएलसीकरण कहते हैं। वसा का अणु इतना बड़ा है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जिससे उसका पाचन आसानी से हो जाए, ये काम किया जाता है पित्त रस के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की वृक्क नालिका का सचित्र वर्णन करो, ये है आपके उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य की वृक्क नालिका का सचित्र वर्णन करिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है मनुष्य के वृक्काणु का, कभी कभी क्वेश्चन आता है मनुष्य के निफ्रान का सचित्र वर्णन करो, सारे क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक कारकों का नाम लिखते हुए रासायनिक समीकरण बनाएं और सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ही निकलती है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण पाचन अक्सर पूछा जाता है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट है, रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए, ये मैं बताऊं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार इस समय इसके कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं अति लघुत्तरीय में या लघुत्तरीय में। तो क्वेश्चन क्या है, रुधिर परिवहन को परिभाषित करें तथा खुले बंद और दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाएं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला पार्ट है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये साइट आंसर में भी पूछता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब भी हम आपको डिटेल बताएंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हाँ इसके आंसर नहीं पता है और मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये फर्स्ट ईयर सॉरी ये आपका फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे, उसके लिए हम जल्दी से वीडियो लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।